टास्कन डीएसआर कैप्सूल जो कि बनाई जाती है एरिक्योर रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। 10 कैप्सूल का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 185 रुपीज़ के करीब रहता है। ये टैबलेट इसके अंदर डोमप्रिडोल 30 mg पैरासीटामोल 40 mg रहता है और ये टैबलेट जो कि यूज़ होता है ट्रीटमेंट करने के लिए गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज में इसको यूज़ किया जाता है और पेप्टिक अल्सर डिसीज में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ट्रक कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको टास्कन DSR कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। टास्कन DSR कैप्सूल जो कि बनाई जाती है एरिक्योर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। 10 कैप्सूल का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 185 रुपीज़ के करीब रहता है। पेंटाप्रोजोल 40 mg एंड डोमप्रिडोल 30 mg रहता है और ये कैप्सूल जो कि यूज़ होती है गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज में और पेप्टिक अल्सर डिसीज में इसको यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो कंटिन्यूसली ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि डायरिया पेट में दर्द मुंह में सूखापन डाइजीनेस और हेडेक हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे और इसको एम्प्टी स्टोमक में ले ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैप्सूल काम कैसे करता है तो इसके मैकेनिज्म की बात को तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है पेंटाप्रोजोल और डोमप्रिडोल। डोमप्रिडोल एक प्रोकाइनेटिक्स है जो कि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मूवमेंट को बढ़ा देता है जिससे क्या होता है फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है स्टोमक के अंदर। और पेंटाप्रोजोल जो कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है PPI जो कि क्या करता है कि पेट के अंदर से एसिड को कम करता है जिससे हृदय जलन वगैरह नहीं होती है। तो ऐसे काम करता है ये कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।